नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। सुबह की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सही और सटीक, सबसे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। आरआरबी की नई परीक्षा एजेंसी के चयन में लग सकता है 2 माह का वक्त। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आरआरबी एनटीपीसी के 35,208 पदों पर 1,26,30,885 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उम्मीदवार परीक्षा की तारीख का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे परीक्षा को आयोजित कराने के लिए एक नई एजेंसी का चयन जल्द ही करने वाला है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों की बैठक के बाद एक ओपन टेंडर निकाला जाएगा। जब परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाएगा तभी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है। आरआरबी के अधिकारी ने बताया कि एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 में ही हो पाना संभव है। तो जनवरी या दिसंबर में ही परीक्षा होगी, यह तो कन्फर्म हो गया है। और चयन में अभी कम से कम 2 माह का वक्त लगेगा और जब एजेंसी का चयन हो जाएगा तभी आपकी परीक्षा संभव है। तो आप दिसंबर या जनवरी का इंतज़ार करें। आज की दूसरी ताज़ा खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज लखनऊ खंडपीठ में होनी है और लखनऊ खंडपीठ की काज लिस्ट भी जारी हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती केस कोड नंबर 1 में एडिशनल में 1 नंबर पर लगा हुआ है। 24 सितंबर 2019 को महाधिवक्ता जी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहस की थी और कोर्ट उनकी बातों से सहमत भी था। आज दूसरे पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रख सकते हैं। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की तीसरी ताज़ा खबर सीटेट परीक्षा 2019 को लेकर है। सीटेट परीक्षा की आवेदन की तिथि और आगे बढ़ी। सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों के चलते सीटेट 2019 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आप सभी उम्मीदवार 30 सितंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं और शुल्क भुगतान 3 अक्टूबर 2019 तक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2019 थी। आज की चौथी ताज़ा खबर फायर ऑपरेटर भर्ती को लेकर है। फायर ऑपरेटर के 700 से अधिक पदों पर भर्ती। दिल्ली सब आर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 700 से अधिक फायर ऑपरेटर के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार फायर ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को 10वीं पास के साथ साथ भारी वाहन का लाइसेंस होना जरूरी है। साथ साथ आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गई है। आप सभी दिल्ली सब आर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज की पांचवी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर है। टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा परिणाम अक्टूबर में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम अक्टूबर माह में जारी होने की संभावना है। अभी तो आयोग टेक्निकल असिस्टेंट में चयनित अभ्यर्थियों के ओमार की मूल कापी से ओमार की कार्बन कापी का मिलान करवा रहा है। यह प्रक्रिया अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। उसके बाद ही आयोग परिणाम जारी करेगा। तो आप सभी अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह का वेट करें। उसके बाद जब उमार की मिलान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसी के बाद आपका परिणाम जारी होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।